सॉरी नहीं कहोगी तुम? अपनी बेइज्जती करवा के सॉरी कौन बोलता है? मैं तुम्हें कहा था साथ से नहीं मिलना, फिर भी तुम मिली उससे। तुम एटलीस्ट सॉरी तो बोल सकती थी मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। और आज के बाद डैड के बारे में तुमने अगर गंदी जबान इस्तेमाल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। मैं उस शख्स को इज्जत नहीं दे सकती जो अपने बेटे का सौदा करता हो। आज उस इंसान की वजह से तुम ज़हनी बीमार हो। उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी माँ की जिंदगी तबाह कर दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो इंसान नहीं, वो शैतान है। सायरा! महरूम हो गए हैं तेरे प्यार से हम, मेरा दिल भी तुझ में धड़के मगर आधा आधा, इश्क में सताए हुए जख्म दिल पे खाए हुए दर्द। अच्छा राना, आज का याद है बचपन में कैसे कोल्ड कॉफी पीते थे भैया मामू? आज बिल्कुल उसी तरह पी रहे हैं। मैं तो बचपन वाला हूँ। मैं हेलो शायद मुझे अंदर चले जाना चाहिए। सायरा, अगर जोर से लगी हो उसके लिए हम रियली सॉरी। और अगर हल्की लगी हो तो? हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन तुम्हें भी यह बात माननी पड़ेगी कि तुमने मुझे इतना प्रोवोक किया था, इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़ा। वरना तुम जानती हो कि मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं कभी ना करता ऐसा। ये किस किस्म की अपॉलोजी है? तुमने मुझे प्रोवोक किया, मजबूर किया, मेरी ऐसी आदत नहीं है। तुम सॉरी बोल रहे हो या मुझ पर एहसान कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मैं जो भी बोलता हूँ तुम उसमें कीड़े निकालना शुरू हो जाती हो। साफ साफ बोलो ना, क्या चाहती हो? रिश्ता खत्म करना चाहती हो तो बताओ। बोलना तुम चाह रहे हो मगर बोल नहीं पा रहे हो। सर, तुम जानती हो मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ है। उनके बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा मुझे गुस्सा आएगा। My reaction was pretty natural. और फिर भी मैं यहां बैठा तुमसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन तुम्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। उमेर, अगर तुम अपने डैड का असली चेहरा देख लोगे ना सिर्फ एक सेकंड के लिए, सारी जिंदगी उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे। सारे तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। सुनो तो एक और थप्पड़ मारना चाहिए तुम्हें, लेकिन फिलहाल तुम्हारे मूड्स हैंडल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई थिंक डैड के बारे में ऐसी कोई बात की ना, जबान खींच लूंगा तुम्हारी।
हमें कितना टाइम हो गया साथ? साल हो गया। जिंदगी गुजारने का फैसला एक ही लम्हों में किया जाता है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये लम्हा जहां भी होगा उसे घूम के तुम्हारे कदम नहीं लगते हो। शायद यही वो लम्हा मैंने अपनी बात तुम्हारे कदम में ला के रख दी। कैसी मजबूरियां हैं, कैसी तरह